नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे AWPL के नए प्रोडक्ट ब्रेन डॉक रस की। आज के सेशन में हम बताएंगे ब्रेन डॉक प्रोडक्ट क्या है, इसे कौन कौन से औषधियों से मिलाकर बनाया गया है, इसके इंग्रेडिएंट्स और इस्तेमाल करने की विधि और इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, इन सारी बातों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन डॉक क्या है। दोस्तों ब्रेन डॉक जो है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाई गई एक लिक्विड फॉर्म का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जिसमें विभिन्न प्रकार की बहुत सारी औषधियों से ये मिलाकर बनाया गया है, जिनका इस्तेमाल हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली को चुस्त दुरुस्त करने के लिए होता है। यदि बात करें इसमें मिलाए गए औषधियों के बारे में, तो इसमें ब्राह्मी है, हल्दी है, गार्लिक है, सौंठ है, शंख पुष्पी है, तुलसी है, अश्वगंधा है, अनारदाना है और शहद है। दोस्तों ब्राह्मी को ब्रेन बूस्टर के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मी हमारे मानसिक तनाव को कम कर हमारे याददाश्त को बढ़ाने में काफ़ी कारगर होता है। यदि शंख पुष्पी की बात करें तो ये हमारे याददाश्त और दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए काफ़ी कारगर औषधि है। इसके अलावा गार्लिक ये अल्जाइमर जैसे रोगों के लिए काफ़ी प्रभावी माना गया है, तथा अल्जाइमर से होने वाले हमारे मानसिक खतरों, ब्रेन के खतरों को भी ये रोकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेंट्री गुण होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। यदि पोमेग्रेनेट अनार की बात करें तो ये हमारे ब्रेन के लिए एक अच्छा टॉनिक माना गया है। तो दोस्तों आप ये इंग्रेडिएंट्स को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त आयुर्वेदिक उत्पाद है। यदि हम बात करें इसके इस्तेमाल की विधि और सावधानियों के बारे में, तो बोतल खोलने के एक महीने के अंदर इसे इस्तेमाल कर लेना है। दिन में 2 बार 25 से 30 ml खाना खाने के बाद इसे इस्तेमाल करना है। चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें तथा 3 महीने से 4 महीने तक अवश्य सेवन करें। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते समय 3 से 4 लीटर पानी दिन भर में ज़रूर पिए। ज़्यादा खट्टे और तीखे पदार्थ का इस्तेमाल ना करें। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते समय अच्छी तरह से सेक कर लें और ठंडे और सूखे स्थान पर ही रखें। डायरेक्ट सनलाइट से इसे बचा कर रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खरीदते समय इस प्रोडक्ट को जांच लें कि ये प्रोडक्ट टूटा फूटा और इस प्रोडक्ट में कोई लीकेज ना हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।